तुला राशि वालों, बृहस्पति बार का दिन 2 नवंबर आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का गोचर, राहु की स्थिति अच्छी होने से आज अद्रा नक्षत्र में राहु शनि का प्रभाव सिद्ध योग में आपके जीवन में मनचाहा परिणाम लाभ के संकेत तेजस्वी और यशस्वी बना रहा है। सुख समृद्धि के साथ आज का दिन बीतेगा। चिंता को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्योंकि भाग्य भी आपका बदलेगा, जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति भी होगी। आज सफलता कामयाबी के लिए दिन बेहतर है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति तरक्की देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस से काम करेंगे तो जीवन में सुख और धन भी कमाएंगे, अपने समस्याओं पर विजय भी पाएंगे, क्योंकि आज राहु के प्रभाव से आपका जीवन सफल होगा। आपकी जीवन में बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। अद्रा नक्षत्र में आज राहु शनि का प्रभाव, केतु की छाया, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि है, सर्वसिद्धि योग भी है। साथ ही दिन 4 चरण में व्यतीत हो रहा है, बृहस्पति शनि मंगल और शुक्र, जिसमें आप सर्वदा विजय बनते हैं, यानी जीवन के हर क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होती है। बेहतर परिणाम के साथ भाग्य का सुख भी मिलता है। आज आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर है, जबकि लग्न के ऊपर आज मंगल, सूर्य और बुध की युक्ति है। वहीं आपकी कुंडली के लाभ स्थान में शुक्र बैठा है। आपकी कुंडली में इस समय शनि पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आप तेजस्वी यशस्वी बन रहे हैं। अपने जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें सफलता कामयाबी और परिश्रम का फल भी प्राप्त होगा। मेहनत बाधा परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी और समृद्ध होकर जीवन में मान प्रतिष्ठा की आप प्राप्ति भी करेंगे। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 2 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन है, चंद्रमा बुध के घर में गोचर कर रहा है, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, शिव योग 1:14 तक, उसके बाद सिद्ध योग आरंभ होगा। अद्रा नक्षत्र में राहु के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में शनि का भी सुफल मिलेगा, जिसके प्रभाव से बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि का भी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आज अद्रा नक्षत्र है, राहु और शनि का प्रभाव आपकी कुंडली पर है, केतु की छाया है, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि है, सर्वसिद्धि योग होने के कारण आज आपका कारोबार, आपका करियर, आपके जीवन में खुशी और भाग्य का साथ है, क्योंकि सर्वसिद्धि योग आपको बहुत लक्की बनाता है और आपका गुड लक आपके जीवन में लाभकारी साबित होता है। राहु का नक्षत्र अद्रा, जिसमें विशेष तौर पर आपके जीवन में अचानक से किस्मत का साथ भी मिलता है, बहुत समय से रुके हुए काम बन पड़ते हैं, किसी नए काम का आरंभ भी करते हैं, सिद्ध योग है, शुभ काल है जो आपके जीवन में तरक्की लेकर आता है, सुख सौभाग्य को बढ़ाता है, कामयाबी सफलता आपको देता है। शत्रु हंता आज आप हैं, यानी अपने शत्रु को परास्त करना, सर्वत्र विजय की कामना लेकर जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता कामयाबी की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज राहु की स्थिति
आपकी कुंडली में बेहतर परिणाम दे रहा है। राहु जिसके ऊपर बृहस्पति का भी प्रभाव है, जिसके ऊपर शुक्र का भी प्रभाव है, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होती है, जिससे कारोबार अच्छा चलता है, जो आपके जीवन में सफलता और कामयाबी लेकर आता है, वांछित कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है और आपके जीवन में शुभ काम का सामर्थ्य भी बढ़ता है, भाग्य का साथ भी मिलता है, नौकरी व्यापार अच्छा चलता है, बेहतर मुनाफा हासिल करते हैं और कारोबार में विशेष तौर पर लाभ का योग बनता है। वहीं आज दिन चार चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है, चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है, जिसके परिणाम से अचानक धन का लाभ, आपकी स्थिति में सुधार, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और भाग्य का उदय होना, शुभ फलों की प्राप्ति, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय सिद्ध योग में राहु का प्रभाव शुभ है, जिससे आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, समृद्धि और लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है, सौभाग्यशाली दिन है। यात्रा से भी लाभ होगा, परिश्रम से भी जीवन में तरक्की का योग बनेगा और आज ये स्टूडेंट के लिए सफलता हासिल करना बहुत आसान होगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है, शुभ योग में तरक्की का योग है और आपके लिए लाभ और सुख का योग है। आज राहु का नक्षत्र अद्रा आपके जीवन में बड़ी तरक्की, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशी बढ़ाएगा, क्योंकि राहु अचानक से लाभ की स्थिति बनाता है। राहु अचानक से आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आता है और राहु के शुभ परिणाम से ही आप बड़े प्रभावशाली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु का स्थान बहुत ही रहस्यमय है, साहसिक कार्य करने वाला, जीवन में धन सुख की लालसा रखने वाला। आज का दिन आपके लिए तरक्की, उन्नति और सौभाग्य लेकर आया है, जिसके कारण आपके जीवन में तरक्की और अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होगी। आज सिद्ध योग में राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव आपके लिए शुभ साबित होगा। वही मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में सूर्य के साथ आदित्य योग बना रहा है, जो आपके भाग्य को चमकाता है, आपके जीवन में सुख लेकर आता है, जीवन की दिशा, तरक्की और धन कमाने में आप जीवन में उलझनों पर विजय प्राप्त करते हैं और आपके जीवन में सुख बढ़ता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लाभ और धन बेहतर परिणाम के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अत्यंत सुखद फलों की प्राप्ति और लाभ के अवसर आपको प्राप्त होता है, सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलता है, बड़े भाग्यशाली भी होते हैं, भाग्य आपका साथ देता है और तरक्की, उन्नति आपके जीवन में प्राप्त होती है। आज राहु काल 1:27 से 2:50 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज ये पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा और लकी नंबर 7 होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो तुला राशि वालों के जीवन में आज उत्साह, उमंग भी रहेगा। आपकी अद्भुत शक्ति आपके मन का विश्वास से सुख की कामना की पूर्ति करेगा। स्थिति आपके जीवन की अच्छी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, खुशियों से भरा आज का दिन आपके लिए धन वैभव, समृद्धि, सौभाग्य, सुख और लाभ लेकर आएगा। आत्मविश्वास से काम करते जाएं, निश्चित ही आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आया है।
क्योंकि राहु आपकी कुंडली में इस समय शुभ स्थिति में है, जिसके कारण आपका जीवन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होगी जो आपके लिए शुभ साबित होगा, जिसके अच्छे परिणाम से आपकी किस्मत अवश्य चमकेगी। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।